स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, जो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको और भी कोई चैप्टर करना है तो आप वेबसाइट पर जाएं www.mathematicsstudyhub.com। वहाँ पर चैप्टर वाइज कुछ वीडियोज़ और भी अपलोडेड हैं, आप वहाँ से चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको फॉर्मूला कोई देखना है तो वेबसाइट पर फॉर्मूले भी अवेलेबल है चैप्टर वाइज, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू पोलर फॉर्म। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ पोलर फॉर्म होता क्या है। पोलर फॉर्म का मतलब है कि आपको कन्वर्ट करना है आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आपको इस फॉर्म में आंसर देना होता है पोलर फॉर्म में, ठीक है, जिसमें आर आपका मॉडुलस होता है और उस मॉडुलस की वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ए प्लस आयोटा बी, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आर आगे सुन में थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट। अब थीटा डायरेक्ट नहीं आता है, पहले आप टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे मॉड बी अपॉन ए फर्स्ट फाइंड अल्फा। अल्फा जब फाइंड आउट हो जाए तो हम फिर क्वाड्रेंट देखते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा जो है अल्फा के इक्वल हो जाएगा, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है थीटा जो है पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो थीटा माइनस पाई प्लस अल्फा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा जो है वो माइनस अल्फा के इक्वल होगा। तो थीटा अल्फा की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बेसिक रूल आपको बताया गया होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर पोलर फॉर्म में कोई क्वेश्चन कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखें, आप ऐसे याद रखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा अल्फा के इक्वल है, सेकेंड में क्या करते हैं 180 माइनस 180 मतलब पाई माइनस, थर्ड में क्या करना इस सेकेंड वाले में माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस पाई हो जाएगा प्लस का अल्फा हो जाएगा, फोर्थ के लिए फर्स्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। तो चलिए अगर आपको आर फाइंड आउट करना है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे आएगा, ये अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो हमने ये अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस 16 का 1 में मल्टीप्लाई होगा माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 रूट 3 आयोटा, आयोटा को बाद में लिख देते हैं, अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर। तो माइनस 16 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा प्लस 16 ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 प्लस का रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की जो होती है माइनस 1 होती है, तो अल्टीमेट प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 16 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3, तो 16 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 4, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आ गया 4 माइनस का 1 प्लस रूट 3 आयोटा। 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं वापस, तो माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। तो हमारा ये फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर आया सिंप्लीफाई करके जेड इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी से, तो ए हो जाएगा माइनस 4 और आयोटा के साथ बी है, यहाँ पे 4 रूट 3 है तो बी आ जाएगा 4 रूट 3। तो ए आ गया बी आ गया, तो आर तो सिंपल है, आर है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48 और 48 और 16 करेंगे तो 64 आएगा और 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 8। तो फिलहाल आर हमें मिल गया है पोलर फॉर्म का, जो फॉर्मूला है आर ब्रैकेट में है तो आर तो आपको आ गया। अब थीटा के लिए पहले अल्फा निकालना है, तो टेन अल्फा इक्वल टू मॉड बी अपॉन ए, तो मॉड बी की वैल्यू है 4 रूट 3 अपॉन माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया
ये माइनस का रूट थ्री आएगा, लेकिन ये मॉड है, मॉड क्या करता है पॉजिटिव ही कर देता है। तो फाइनली टेन अल्फा मिला रूट थ्री, तो टेन अल्फा आ गया रूट थ्री। तो टेन में किस एंगल पे रूट थ्री होता है, 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई थ्री। तो हमारा अल्फा आ गया पाई बाई थ्री। अल्फा फाइंड आउट करने के बाद हम थीटा फाइंड आउट करते हैं। अब थीटा के लिए क्वाड्रेंट देखना है, कौन सा क्वाड्रेंट है। अब क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं, जैसे हम क्वाड्रेंट एक्स वाई के अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स वाई दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वैसे ए बी से रेट करो, ए को थोड़ी देर के लिए मान लो एक्स और बी को थोड़ी देर के लिए मान लो वाई। तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब ए बी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, एक्स वाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या है, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो ये आ जाएगा टू पाई बाई थ्री। तो आपका थीटा भी आ गया, आर भी आ गया। तो पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म है हमारी आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर आपका एट आया है, कॉस टू पाई बाई थ्री प्लस आई साइन टू पाई बाई थ्री, यही आपका आंसर होगा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर देते हैं तो आप वापस क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पोलर फॉर्म समझ में आ गया, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन एक और कर लेते हैं पोलर फॉर्म पे बेस्ड, मैंने रूल लिख रखे हैं पहले से। तो लिखा है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिस इन पोलर फॉर्म। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस जेड को। तो जेड इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन अपॉन कॉस पाई बाई थ्री, मतलब कॉस 60, और कॉस 60 के लिए होती है 1 बाई टू, और ये साइन 60 है, साइन 60 के लिए होती है रूट 3 बाई टू। तो 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा रूट 3, और ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी 2 ब्रैकेट में आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। हमेशा की तरह अगर आयोटा टर्म डिवाइड में है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 तो बाहर ही रहने दो, ब्रैकेट इस, चलो मैं एक और टर्म लिख लेता हूँ फिर से, आयोटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 माइनस आयोटा रूट 3 में, और यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू 2 ब्रैकेट, आयोटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आयोटा, आयोटा का मल्टीप्लाई इस आयोटा में होगा तो माइनस का आयोटा स्क्वायर रूट 3। अब इस माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा प्लस का आयोटा रूट 3 आ जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, और आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस रूट 3 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये 1 प्लस 3 हो गया। फिर हम सिंप्लीफाई करते टाइम क्या ध्यान रखते हैं, जब सिंप्लीफाई हो जाएगा रियल पार्ट एक साथ रखते हैं, आयोटा इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लेते हैं। तो रियल पार्ट में रूट 3 माइनस 1 है, मैंने इसको अलग कर दिया एक ब्रैकेट में, और इन दोनों में आयोटा कॉमन मिल रहा है यानी इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें तो 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा रूट 3, तो ये आ गया अपॉन ये 4 हो गया, ये 2 टाइम से कैंसिल हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस आयोटा बी, रियल पार्ट अलग दिखे इमेजिनरी पार्ट अलग दिखे, तो इस 2 से हम सेपरेट डिवाइड भी कर लेंगे, मतलब इसमें भी 2 डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2। तो ये फाइनली हमारा सिंप्लीफाई रिजल्ट आ गया, ठीक है जेड। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी से, तो यहाँ से ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम आर और थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल मैंने जेड लिख लिया है, हमारा जेड ए आया था। अब कंपेयर कर लेते हैं ए प्लस आयोटा बी से, तो कंपेयर करेंगे तो ए हमारा आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉइंट 2, बी आ गया 1 प्लस रूट 3 अपॉइंट 2। तो सबसे पहले देखिए आर फाइंड आउट करते हैं, तो आर का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर यानी रूट 3 माइनस 1 अपॉइंट 2 का
स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता तो नीचे तो 4 कर लेते हैं और यहाँ रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब मैंने सेपरेट कर दिया स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो एलसीएम तो सेम ही है, 4 है, और यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइड में तो 4 आएगा। चलिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू रूट 3 इंटू 1। फिर इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2 रूट 3 आएगा फाइनली। तो यहाँ भी 2 रूट 3 है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 और ये 3 आएगा अपॉन 4। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 4 आया तो ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो फाइनली में r जो मिलेगा वो रूट 2 मिल जाएगा, r आ गया। तो चलिए अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टेन अल्फा इक्वल टू मॉड बी अपॉन ए। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, तो आर हमें पता लग गया है रूट टू है। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हम टेन अल्फा यूज करेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू मॉड बी अपॉन ए। तो बी हमारा क्या था, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2, तो 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और ये आपका ए था रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रूट 3 प्लस 1 भी ले सकते हैं, 1 प्लस रूट 3 सेम फॉर्मेट बनाना है तो रूट 3 प्लस 1 लिख लेते हैं। तो फाइनली हमारा टेन अल्फा ही आ गया। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था कि अगर टेन अल्फा इक्वल टू कुछ आता है वो जनरली ऐसा आता है कि कोई वैल्यू पता होती है, जैसे रूट 3 आया तो हमें पता है 60 डिग्री होगा अल्फा, 1 बाई रूट 3 आया तो हमें पता है भाई 30 डिग्री है, 1 आया तो हमें पता है 45 डिग्री है। ये डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो वो मैं सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस अब करता हूँ कि कैसे हम डिसाइड करेंगे ये वैल्यू कितनी है। तो इसमें क्या है कि टेन अल्फा आपको कुछ दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर ये कुछ हो जाता है तो हम टेन ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि टेन मैं इधर फॉर्मूला लिख दूँ टेन ए प्लस बी का और इस फॉर्मूले को रेड करवाऊँ तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो इस फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये 1। तो हम इस फॉर्मूले को इतने सारे नंबर को एक सिंगल टेन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं रूट 3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं जिससे ये 1 बन जाए। तो चलिए टेन अल्फा इक्वल टू यहाँ रूट 3 से डिवाइड किया, 1 में भी रूट 3 से डिवाइड किया, यहाँ भी रूट 3 से डिवाइड किया और यहाँ भी रूट 3 से डिवाइड किया, फाइनली ये कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। देखो अब आ गया ये फॉर्मेट, चलिए टेन ए, तो ठीक है टेन ए हमें लिखना है कोई एंगल, देखो तो 1 वैल्यू कहाँ होती है, टेन 45 पे, तो टेन अल्फा इक्वल टू इसको हम टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं प्लस 1 बाई रूट 3, टेन बी है तो किस एंगल पे 1 बाई रूट 3 होता है, 30 डिग्री, यानी टेन पाई बाई 6। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कुछ मत करो, ये 1 ही रहने दो, माइनस यहाँ 2 टेन मल्टीप्लाई में है, अब यहाँ तो सिर्फ 1 बाई रूट 3 है तो उसको तो हम 10 पाई बाई 6 लिख देंगे, लेकिन हमें एक और 10 ए चाहिए, 10 10 ए क्या है, 10 पाई बाई 4 है और 10 45 की है तो 1 होती है, तो हम मान सकते हैं कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, हम 1 का मल्टीप्लाई तो किसी के साथ ले सकते हैं, तो इसका मतलब हम इसको 10 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हो इस चीज को हम 10 ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी कि ये बन जाएगा सिंपल 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, तो 10 10 कंपेयर होकर हट जाएगा तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम आएगा 12, तो ये 3 पाई प्लस 2 पाई, तो फिलहाल अल्फा आ गया 5 पाई बाई 12।
तो अल्फा आ जाएगा हमारा फाइनली 5π/12 अल्फा आ गया। अब अल्फा के बाद हम थीटा देखते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो थीटा कैसे देखते हैं क्वाड्रेंट, ए बी से देखते हैं। तो ए हमारा है कंपेयर जो मैं कह रहा था फिर से लिख देता हूँ √3 - 1/2, बी है 1 + √3/2। तो आप देख रहे हैं रूट थ्री के लिए 1 से ज्यादा होती है, ये भी पॉजिटिव और बी के लिए पॉजिटिव है, यानी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो थीटा जो है अल्फा के इक्वल होगा यानी 5π/12। तो चलिए थीटा भी आ गया, आर हमारा √2 आया था। तो चलिए पोलर फॉर्म लिखना शुरू करते हैं। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या है आर, तो आर हमारा √2 ब्रैकेट कॉस थीटा यानी कॉस 5π/12 प्लस आई साइन 5π/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो चलिए पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं। और सिंप्लीफाई का प्रोसेस हमने दो क्वेश्चन में कर लिया है कि उसमें डिनोमिनेटर से अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यानी यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6i sin थीटा आएगा, 2i sin थीटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2i sin थीटा ही आएगा, 2i sin थीटा का 2i sin थीटा में होगा तो क्या आ जाएगा 4i² sin² थीटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लो, 2 × 4i² sin² डिवाइड में a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 3 + 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस का 4 sin² थीटा आ जाएगा अपॉन 1, 2 का स्क्वायर 4i² sin² थीटा। फिर मैंने आपको एक रूल बताया था कि रियल पार्ट एक साथ कर लो, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ये आपके दोनों हो जाएंगे, इनको एक साथ कर लो। ठीक है, तो 3 - 4 sin² थीटा प्लस 6 + 2 8i sin थीटा अपॉन i² - 1 होता है तो प्लस का 4 sin² थीटा हो जाएगा। फिर सेपरेट डिवाइड कर लो, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा प्लस, इसमें डिवाइड करेंगे तो आयोटा थोड़ा अलग कर लो, तो 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में बोला था प्योरली रियल है, प्योरली रियल का मतलब है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जीरो। प्योरली रियल का मतलब है सपोज करो मैंने कहा जेड जो है वो 2 + 3 आयोटा है, तो मैंने कहा रियल पार्ट बताओ, तो रियल पार्ट तो 2 होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, अगर सिर्फ 2 हो तो इसका मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है जीरो। तो प्योरली रियल का मतलब है आपको इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देना है, तो यानी कि 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा क्या कर दो जीरो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा 8 sin थीटा, 8 से भी डिवाइड करोगे तो फाइनली साइन थीटा जीरो आएगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्री में याद हो कि साइन थीटा अगर जीरो होता है तो थीटा की जो वैल्यू है वो एन पाई होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, अगर नहीं याद है तो आप थोड़ा देख लें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। और फिलहाल आपको याद रखना है कि साइन थीटा अगर जीरो है तो थीटा जो होता है वो एन पाई होता है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें ए प्लस आयोटा भी आपको दे रखा है, एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 प्रूव दैट दिस। तो जब भी प्रूव करने में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको a² + b² फाइंड आउट करना है या फिर x + iota y दे रखा है तो आपको x² + y² निकालना है या फिर इधर x - iota y दे रखा है तब भी आपको x² + y², तो आपको इस केस में कॉन्जुगेट लेना होता है। ठीक है, तो इसका सेट प्रोसेस क्या है कि पहले जो गिवन है उसको तो आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लें, यानी x + iota² / 2x² + 1 इसको फर्स्ट इक्वेशन, और फिर कॉन्जुगेट और सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए कॉन्जुगेट ले लें, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। अब ये कॉन्जुगेट होता क्या है वो समझा देता हूं मैं आपको पहले। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ए प्लस आयोटा बी, जेड बार, बार मतलब कॉन्जुगेट, तो होता क्या है आयोटा रिप्लेस हो जाता है माइनस आयोटा से, तो वो कॉन्जुगेट हो जाता है ए माइनस आयोटा बी।
तो टेकिंग कॉन्जुगेट किया तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, यहाँ हो जाएगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। गलती से कुछ लोग यहाँ माइनस लिख देते हैं, देखो यहाँ आयोटा तो है नहीं, मैंने बताया आयोटा रिप्लेस हो जाता है माइनस आयोटा से, तो यहाँ तो है नहीं, तो ये टर्म ऐसा ही रहेगा। और जैसे ही आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाए तो आप मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड हमें करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी में, और ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ तो ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, दोनों पे स्क्वायर है, और जब दोनों पे स्क्वायर तो हम कंबाइन कर सकते हैं टर्म्स और स्क्वायर एक एक बार लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा अपॉन, ये दोनों सेम टर्म है तो यानी होल स्क्वायर बना देंगे, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो फाइनली प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। तो फिलहाल हमारा ये प्रूव हो गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो आप यहाँ पे चेंज कर लें। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इसमें लिखा है इफ अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड बीटा, यानी कि मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू वन है, और देन फाइंड दिस, हमें एक मॉडुलस फाइंड आउट करना है और कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा है अल्फा बीटा का। तो देखिए डायरेक्ट मॉडुलस फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मॉडुलस की कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर जो होगा वो हमेशा जेड इंटू जेड बार, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ये प्रॉपर्टी है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज करेंगे, यानी हम पहले इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और फिर बाद में उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यानी कि पहले हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हो गया मॉडुलस ऑफ जेड, ये तो इसको हम क्या लिखेंगे जेड इन टू जेड बार, यानी कि पहले इसको सेम लिख देंगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा, और एक बार इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार लगा देंगे, मतलब इस तरीके से, मतलब पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया और फिर उस पर बार लगा दिया इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, और हमें फाइंड आउट ये करना है, तो ये जो स्क्वायर आएगा बाद में स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तो कुछ नहीं करना है, सेम रहेगा, यानी कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा। यहाँ क्या होगा, अब मॉड की बार की प्रॉपर्टी होती है कि अगर प्लस या माइनस का साइन है तो बार इंडिविजुअल ब्रेक हो जाता है, यानी कि बीटा पे भी बार आ जाएगा माइनस अल्फा बार। हो सकता है किसी को ये डाउट है यहाँ प्लस होना चाहिए क्योंकि कॉन्जुगेट क्या करता है, प्लस को माइनस कर देता है। देखो प्लस को माइनस में समझो, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जहां आयोटा है वहां करता है, अब यहां तो आयोटा नहीं है, बीटा खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा खुद में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड वन जेड टू है और इसका बार करना हो तो ये बीच में माइनस नहीं करेगा, जेड वन बार और जेड टू बार कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो जेड वन जेड टू है ना। सिमिलर यहां पे बीटा और अल्फा क्या है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इन पे बार कर देगा। ठीक है, अब वन एक रियल नंबर है, उसके बार में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वन का वन ही रहेगा, यहाँ पे अल्फा बार पे बार आ जाएगा, पहले से एक बार था, और ये बीटा बार आ जाएगा, ये सेम रहेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन, बार पे अगर बार हो तो वो बार हट जाता है, तो फाइनली आ जाएगा वन माइनस अल्फा बीटा बार। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो बीटा का बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बीटा बार आ जाएगा, बीटा का अल्फा में करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का बीटा अल्फा बार आ जाएगा, अल्फा का बीटा में बार में करेंगे तो माइनस का अल्फा बीटा बार, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा बार अपॉन, वन का मल्टीप्लाई करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, यानी कि वन माइनस अल्फा बीटा बार, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अल्फा बार बीटा,
प्लस अल्फा बार बीटा इंटू अल्फा बीटा बार। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक में बार है एक में विदाउट बार है, तो ये प्रॉपर्टी मॉड मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से मॉड बीटा स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट भी है, तो इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। ये चीज सेम रहेगी और ये सिमिलर मॉड अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब भी सेम रहेगा। अब यहां कर लेते हैं, देखिए ये अल्फा और अल्फा बार मॉड अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये बीटा बीटा बार मॉड बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मॉड बीटा के लिए वन है, मॉडुलस ऑफ बीटा वन है, तो यहां वन पुट कर देते हैं, तो वन माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर अपॉन, तो डिवाइड में आ जाएगा वन माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और ये मॉड अल्फा स्क्वायर रहेगा, और ये कि मॉड बीटा के लिए वन है तो ये इंटू वन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली मेरा रिजल्ट मिल जाएगा, ये हमने फाइंड आउट क्या किया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये आया वन माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस अल्फा स्क्वायर। डिवाइड में टर्म सेम है, बस रीअरेंज कर लेते हैं, वन तो सही है, यहाँ बीटा अल्फा बार है और यहाँ पे बीटा अल्फा बार थर्ड टर्म है, तो कोई बात नहीं, रीअरेंज हम कर सकते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, और अल्फा बार अल्फा बीटा बार थर्ड है तो ये इधर कर लेते हैं, और ये फिर ये तो वन है तो मल्टीप्लाई होगा तो मॉड अल्फा स्क्वायर आएगा। तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो यानी वन आ गया, तो हमें तो ये फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो होगा क्या, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा की जो वैल्यू है वो वन आ जाएगी, तो इसका आंसर वन हो जाएगा। पेपर में स्कूल टेस्ट में ये बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देख लें दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लें, जिससे कि मुझे और वीडियो बनाने में और अच्छा लगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आज के लिए इतना ही।